बैक टू माई यूट्यूब चैनल। करंचा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं आई हुई हूँ अपने मैके में, तो सोची कि चलो आज आपको दिखाती हूँ मैं मैके का अपने होम टूर, कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। हम रहते हैं क्वार्टर में, गवर्नमेंट क्वार्टर है, जो कि उसका बाहर से नज़ारा आप जानते हो कि उसका बाहर का नज़ारा इस तरह से कुछ होता है, ग्राउंड के तरह से बच्चों के खेलने के लिए होता है चारों तरफ से, और सारे क्वार्टर जो होते हैं वो एक से लगते हैं। तो ये रेलवे क्वार्टर है, देखिएगा इस रेलवे क्वार्टर है, ये रेलवे क्वार्टर है, और हमारे डैडी जो हैं वो रेलवे में हैं। तो लोको पायलट का कुछ नज़ारा इस तरह से है, आगे में खेत है। तो चलिए सबसे वो देखिएगा इस हम लोग का खेत है एंड ये तो चलिएगा इस चलते हैं आपको लेके और दिखाते हैं हम अपने घर की तरफ। और नेम प्लेट लगा हुआ है जो हमारे डैडी का नाम है अशोक ठाकुर, और उसके बाद आइए आप मेरे साथ। और यहाँ पे ये महाकाल का फोटो लगा हुआ है और ये पंचमुखी बालाजी का है और ये बागेश्वर बाबा जी का है। जब मैं बागेश्वर धाम गई थी तो लेके आई थी मम्मी को भी, दीदी ये बालाजी वाला, ये हमारा मेन डोर है, इसे हम अंदर आते हैं, इसे हम लॉक कर देते हैं। और ये पेंटिंग हमने बनाया था और ये पेंटिंग जो है माई को मिला हुआ था जब वो सरस्वती पूजा में डांस की थी उस टाइम में। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक है, जैसे कि अभी आपको पता है ठंडा का टाइम है तो यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह सब जो है मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और ये मेरा एक्वेरियम है और ये मेरा शादी के बाद जब बाबू हुआ था तो बाबू 7 महीने का था तब का फोटो जब हम नेपाल गए थे तब। और ये माही की शादी के बाद हम जब उज्जैन गए थे फर्स्ट टाइम 2019 तब का ये फोटो है। और आपको बता दूँ यहाँ पे सारे मेडल वगैरह सील्ड वगैरह रखे हैं, जो कुछ माही के हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ भैया के हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत चीज बनाई हुई है, जैसे कि ये मम्मी बनाई हुई है, ये मोती से बना हुआ ट्री है, ये हमने बनाया था, और ये भैया गोवा गया था तो वहां से लेके आया था, ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये बना हुआ नारियल का मंकी है। ओ हमको तो पता ही नहीं था नारियल का है, हमको तो अभी पता चला, हमको तो लग रहा था वुड का है। ये मंकी है, इसको मैं यहाँ पे था वहां पे रख देती हूँ। गाइस अपेरेंटली हम लोग की नानी माँ का सीरियल रूम है। और उसके बाद ये था जब हम फर्स्ट टाइम उज्जैन गए थे बाबू मम्मी पापा सबके साथ। और हमारे यहाँ जो दामाद होते हैं तो उनका ये पगड़ी यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन क्या मामा है, मेरे बाबू के फर्स्ट बर्थडे में मिला था, विकास देवर है हमारे, वो दिए थे, तो यहाँ पे मैं मम्मी को ला के रख दी। और ये दोनों सील्ड, ये सील्ड माही को मिला हुआ था डांस से बेचू से, और ये मुझे मिला हुआ था बैडमिंटन में सेकंड, जो कि ऊपर वाला लगता है वो चला गया, टूट टूट गया है। और भैया को मिला हुआ है, भैया के ऑफिस में प्रोग्राम होता रहता है वो। ये पापा को अच्छे वर्किंग के लिए मिला हुआ था डीजल लोकोमोटिव से। और ये मेरा एक्वेरियम और ये टीवी, तो मेरा कुछ इस तरह से ये रूम है। यहाँ पे मेरा बेड और सबसे फेमस ये गंगा जी का फोटो, जो कि सब जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस सिटी है, यहाँ पे हर लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं और हर साल, और वो ऐसे सिंगरी है। और ये हमारा यहाँ पे बेड है और ये हमारे फादर को मिलता है हर साल, जो कहते हैं कैलेंडर ऑफिस की तरफ से, वो यहाँ पे पापा ने फ्रेमिंग करवा के बहुत सुंदर सा। अभी फिलहाल ये छोटा सा क्वार्टर है, छोटे सा क्वार्टर है, तो इसी में हम लोग सबको शिफ्ट किया। ये भाभी का रूम है, तो उस घर से जो 2 सोफा है वो मैं सिंगल वाला यहाँ पे रख दी थी जब भाभी आने वाली थी तब। और ये मिरर है जो मम्मी का है, और अलमारी है यहाँ पे, ये एक भाभी का एक मम्मी का है, और यहाँ पे मेरा सूटकेस है, और ये भाभी का बेड है जो कि मैं जब भाभी आई थी तो हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेशन किए थे उस तरह का है। और यहाँ पे लगी हुई है माही की बर्थडे की फोटो, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है बार बार, ये माही का बर्थडे का फोटो है। और ऊपर में ये भाभी का कुछ कुछ सामान रखा, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर जो होता है वो बहुत मतलब कि लिमिटेड फैमिली से होता है, तो उसी में सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से इसी में अरेंज करके रखे हुए हैं। ये माही को मिला था अशोका इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे डांस कोरियोग्राफी की थी, वहाँ पे डांस सिखाई थी बच्चों को, तो वहाँ से ये मिला हुआ है माही को, तो ये बहुत प्यारा है, इसे यहाँ रख देते हैं। ये बागेश्वर धाम जब मैं गई थी तो बागेश्वर बाबा का फोटो लेके आई थी, तो मम्मा को भी दी थी, यहाँ पे रख देते इसे भी। और ये मेरा फोटो है बाबू जब बहुत छोटा था, ऊपर वाला ये टूट चुका है तो इसे फिर से बैंड करवाना है, मैं सोचती हूँ इसको बैंड करवा के मैं ले चलती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। भाभी अपना चूड़ी वूड़ी भाभी सब रखी हुई है, सब अरेंज की हुई है। और एक फोटो ये पीछे रखा हुआ है, ये फोटो जो है ना बहुत बीच हो गया है तो इसको सब साइड कर दिया है। ये हमारे शादी के 1 महीने बाद की ये फोटो है हमारी, जब हम शादी के बाद पहली बार ससुराल से घूमने गए थे उस टाइम का ये फोटो है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ये फोटो हमारी शादी से पहले की है, जब हम और मेरे पतिदेव गए थे घूमने, पतिदेव मेरे आए हुए थे मेरे बर्थडे में, तो हम लोग विंध्याचल गए थे, तो वहाँ की ये फोटो है, इसको भी यहाँ पे।
और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये भैया के शादी में जो कोबर लिखाता है, यहाँ पे कोबर था तो ये भाभी हटा के रख दी है, कहीं पे रख दी होंगी। और इधर ये रैक है जो भाभी के सामानों से भरा है, ये पूरा भाभी का रैक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो अपना थोड़ा बहुत सामान है वो रखी हुई, भाभी का जैसा है वैसा छोड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे ये दोनों सिंगल सोफा, यहाँ पे मेरा VIP कितना बार, और यहाँ पे मैं, और अब चलिए चलती हूँ। सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, माही को गिफ्ट मिला हुआ है, और सबसे प्यारा मुझे अपना किचन लगता है। छोटा सा ही है मगर बहुत सुकून वाला है। तो इधर ये हम बर्तन स्टैंड लगा रखे हैं, ये सब कुछ अरेंज किया हुआ मेरे ही से जब वाटर शिफ्टिंग हुआ था जिस टाइम में, उस टाइम में, उसके बाद ये डैडी खुद से अरेंज करके सब लगाए हुए हैं। और काफी अच्छे से देखिए किस तरह से पूरा अरेंज किया हुआ है, इधर पूरा बड़ा वाला, इधर छोटा वाला, इस तरह से काफी सजाया हुआ किचन मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे पानी जो है बहुत लिमिटेड टाइम से आता है, 3 बार आता है मगर बहुत लिमिटेड टाइम से आता है, 1 घंटा 2 घंटा उसमें आपको पानी स्टोरेज करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम खाना बनाने के लिए पानी स्टोरेज किए हुए हैं। और यहाँ पे लहसुन प्याज वाली जो डलिया है वो रखे हुए हैं, और जो बड़ा बर्तन होता है कढ़ाई वढ़ाई वो यहाँ पे रखे हुए, मिक्सी वगैरह यहाँ पे। अब आती है हॉल की बारी, तो हॉल में हम रखे हुए हैं फ्रिज और ये पॉट, फ्रिज के ऊपर ये पॉट है। ये पॉट गाइस मैं खुद से बनाई हुई हूँ, आज से हमें लगता है 6-7-8 साल पहले का ये पॉट है, और जिस तरह से बनाई हूँ वो उसी तरह से थोड़ा साफ करना पड़ता है, उसके बाद ये बहुत क्लीन हो जाता है। उसके बाद ये हॉल है, यहाँ पे है मायरा का फोटो, जब मायरा हुई थी उसका फर्स्ट पिक है, ऊपर बउआ जी और माही का फोटो है, मम्मी का फोटो है, ये भी हमारा फर्स्ट पिक ही है जब हम नाइट में घूमने जाते थे तब, उस टाइम की फोटो है। और यहाँ पीने का पानी जो है स्टोर करके रखना पड़ता है, यहाँ बॉटल में सारा स्टोरेज रहता है, वो टाटा पानी स्टोरेज करके रखना पड़ता है पीने वाला। यहाँ पे है डैडी का दवा, जो डैडी आप लेके आए गाइस, इतना दवा चलता है, ये है मेरे बेटे का दवा कलेक्शन। और अब आती है, अब सबसे मेन बारी आती है, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पूजा रूम नहीं है, उनके पूजा करने से हमारा घर चलता है, तो कृपया आप लोग को बता दें कि हम लोग दिखावा पे बिलीव नहीं करते हैं, पूजा करते हैं हम अपने लिए करते हैं, अपने शांति के लिए करते हैं, लोग को दिखाने के लिए घंटी नहीं बजाते हैं। तो आइए दिखाते हैं, छोटा सा ही पूजा रूम है मगर है हमारे यहाँ पूजा रूम बहुत अच्छा, आइए दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे है पूजा की मंदिर, और उस पूजा मंदिर में सारे भगवान हैं, जो भगवान रहते हैं जो लोग को दिखता नहीं है वो अच्छे से देखें, माता रानी है, कृष्ण जी हैं यहाँ पे, पार्वती शंकर जी हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी हैं, यहाँ पे श्री मंगलानाथ उज्जैन वाले बाबा जी हैं। ये बहुत पुरानी मूर्ति है, मुझे याद है जब मैं छोटी छोटी सी थी तब का है, ये विंध्याचल की मूर्ति है। हमारे यहाँ भी शंख है, हमारे यहाँ भी शंख है, और यहाँ पे पूजा का बर्तन है, यहाँ करवा चौथ का फोटो है, और रामायण जो भी मतलब कि होता है पूजा का वो है, यहाँ भाभी का सिंघोरा है शादी वाला जो होता है, और वो बाबा धाम का फोटो है, और ये माता जी वैष्णो देवी का फोटो है, और ये जो है राम दरबार है, और ऊपर ये शंकर जी हैं, इधर लड्डू गोपाल जी हैं, और इसी में क्योंकि सरकारी क्वार्टर है तो सब कुछ इसी में अरेंज करना रहता है, तो इस तरह से थोड़ा सा स्टोरेज भी बना के रखे हैं, जो कि उधर से किचन से बड़ा और ज़्यादा सामान रहता है वो इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो फाइनली आपने मेरा पूजा रूम देख लिया है, और बार बार ये कमेंट नहीं बोलिएगा, ये मत बोलिएगा कि पूजा रूम नहीं है। यहाँ पे ये आया है, इधर देखो, यहाँ पे ये आया है मायरा का बर्थडे गिफ्ट, मायरा के लिए साइकिल, जो कि उसके मामा ने मंगवाया है, मानू को भी मामा ने दिया था क्रिकेट से, और उसका भी बर्थडे है तो उसे भी यहाँ पे दिया। और इधर है हमारा वॉशरूम और बाथरूम, जो मतलब कि आदमी नहाता है, तो इसे आपको क्या दिखाऊं, और हमने अपना जैकेट यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो चलिए स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे हमारा बर्तन धुलाता है, ये पानी वाला मशीन है, यहाँ पे वेशिंग है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, बर्तन वगैरह धुला के यहाँ पे रखाता है। ये स्टोरेज है पानी का, जहाँ पे बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए कुछ भी करने के लिए, हाथ वाथ धोने के लिए पानी को स्टोरेज करके रखते हैं, क्योंकि काफी पानी जो है स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद इसी में हमने एक्स्ट्रा रूम बनाया हुआ है, जिसमें कि कपड़े प्रेस करने वाले फालतू सामान, ये मेरे पति देव का पगड़ी है, जो कि इसको अच्छे से साफ करवा के इसको फ्रेमिंग करवाने का सोच रहे हैं, बट इसको मगर ये फट गया है, इसको निकाल के अच्छे से पन्नी में पैक करके रखना होगा। और जो भी फालतू सामान होता है, कपड़े सूखते हैं तो यहाँ इसे ला के फेंक देते हैं, जो कि प्रेस करने वाले धोबी भैया आते हैं तो वो लेके चले जाते हैं। यहाँ पे पापा का ढोलक रखा हुआ है, जो डैडी बजाते हैं, मैं भी बजाता हूं। और यहाँ पे साइकिल है, जो कि डैडी छोड़ दिए हैं। यहाँ पे आलू प्याज, ये छटपट टोकरी है, इसमें आलू प्याज स्टोरेज होता है। उसके बाद एक बार इधर से भी ले लेना है, इधर भी क्या कहते हैं कि है पूरा खेत टाइप का है, जो कि आप धूप में ठंडा में बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए थे मम्मी को दवा लगाने के लिए, दिखा रहा है मम्मी को दवा लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरी भाभी को ऐसा खेती कर रखी है, क्योंकि पापा पानी वानी देते थे, मैं जब से बीमार पड़ गए तब से मतलब कि पानी वानी नहीं दे रही थी, सूख गया था कल, मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया। ये एक अमरूद का पेड़ है, जिसमें कि बहुत सारा अमरूद फल को खेत दिखाते हैं, क्योंकि खेत में हमारे 3 पेड़ हैं, और यहाँ पे दिखा पेड़ तो हैं ज़्यादा मगर 3 बड़े बड़े पेड़ हैं, और खेत थोड़े से हैं खेती करने के लिए, मगर खेती करने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये बोला जाता है इसको चौराई, ये ग्रीन वाला चौराई, ये मेरी भाभी जी लगाई हैं,
यहाँ पे मीठी नीम का एक पेड़ यहाँ पे है, और ये व्हाइट वाला फूल पता नहीं क्या बोलते हैं, जैस्मिन की, जैस्मिन, हाँ सॉरी जैस्मिन वो है। और ये बड़ा अमरूद, इसमें इतना अमरूद फटता है गाइस, और इतना मीठा रहता है कि पूछो मत, बता नहीं सकती। उसके बाद घर आओ, ये पूरा खेत है जो कि यहाँ पे कूलर वगैरह उतार के रख देते हैं, और यहाँ पे भी एक मीठी नीम का पेड़ है छोटा सा जो कि इसे गमला में करना है, और ये नीम का पेड़ है सबसे बड़ा नीम का पेड़। यहाँ पे हमारी गाड़ी लगती है, और ये एक स्कूटी है जो माही, मेरे पास दो स्कूटी, एक बुलेट है जो बुलेट भैया यूज़ करता है, और ये माही की शादी से पहले वाली स्कूटी है जो माही चलाती थी, जो स्कूल वगैरह में वो डांस वगैरह सिखाती थी, तो जाती थी तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तब डैडी ने खरीदा था, और एक शादी के बाद उन्होंने लिया था। और ये आगे से थोड़ा खेत है, ये बताओ आम का पेड़ है, और यहाँ पे ये कूलर रखा हुआ है, और ये जो है वो आम का पेड़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आम फटता है गाइस। तो ये मतलब कि इस तरह का है रेलवे क्वार्टर, और काफ़ी मतलब कि साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बैठ के बातें करते हैं।